उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मचा घमासान, अक्षय और मात तक पहुंच गया है। भले ही मुलायम सिंह पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हों, लेकिन ताजा घटनाक्रम से लगता है कि पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और इसी क्रम में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री पवन पांडे को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पवन पांडे पर MLC आशु मलिक को पीटने, हाथापाई करने और पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप है। आशु मलिक ने पवन पांडे पर आरोप लगाया था कि पांडे ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास पर उन्हें चांटा मारा था। उनकी शिकायत के बाद जहां पार्टी ने कार्रवाई की है, वहीं मुख्यमंत्री से भी मांग की गई है कि वो पवन पांडे को मंत्री पद से बर्खास्त करें। इसको लेकर शिवपाल यादव ने अखिलेश को पत्र भी लिखा है। पत्र में पवन पांडे को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग की गई है। पार्टी में चल रहे घमासान को लेकर शिवपाल ने एक बार फिर दोहराया है कि पार्टी में कोई कलह नहीं है और जैसा नेताजी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में शिवपाल समेत 4 अन्य मंत्रियों की वापसी को लेकर मुलायम ने भी कोई फैसला नहीं लिया है और अखिलेश ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल उनका ध्यान चुनाव की तैयारियों पर है। मुलायम सिंह सपा संग्राम को शांत कराने, चाचा भतीजे को मिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में एक के बाद एक खेले जा रहे दावों को देखकर यही लग रहा है कि मुलायम सिंह का सुलह का हर फार्मूला फेल हो रहा है। आज शिवपाल यादव ने पवन पांडे को निष्कासित कर बड़ा फैसला लिया है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव का अगला दाव क्या होगा। देखते रहिए DB Live।